चंद्र साहब आपका धन्यवाद इसलिए हम अदा करते हैं कि आपने मंत्री बनने के बाद ये पहली मीटिंग जो औरंगाबाद में लेने का जो फैसला लिया है, हम सभी लोक प्रतिनिधि मराठवाड़ा के आपका स्वागत करते हैं और आप आए खुशी तो हुई है, लेकिन हम यहाँ पे मांग रखते हैं और कई प्रोजेक्ट जो होते हैं वो पैसों की वजह से अटक जाते हैं, तो आपने आज एक अच्छा दूसरा काम जो किया है कि देश का पैसा जिसके पास रखा हुआ है, आपके बाजू जो मंत्री साहब बैठे हुए हैं भगवत करार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, तो सारा फाइनेंस अब उनके पास है, तो हम जो भी मांग करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि करार साहब आप भी थोड़ा सा दिल खोल के आप जितने भी रेलवे के हमारे इश्यूज हैं, मैं संजय यादव साहब और फौजिया मैडम ने जो बात रखी है, मैं मलिया साहब मैं शिकायतें कम करूंगा, जवाब आपसे ज्यादा चाहेंगे। एक तो ये है कि एक जवाब आपने एक आरटीआई के उसके अंदर ये आया है कि जिसके अंदर आपने ये बताया है कि औरंगाबाद का पिटलाइन जो है वो फिजिबल नहीं है करके, देर आर नॉट मेनी कंस्ट्रेंट्स औरंगाबाद के पिटलाइन के लिए, तो हम चाहेंगे कि आप डिटेल के अंदर हमको बताएं, क्योंकि इतने सालों से रेलवे के अंदर काम करने वाले लोग जो है, आपका एक रिमार्क आया है अर्लियर पिटलाइन वॉज प्रपोज एट औरंगाबाद, हाउएवर एट प्लानिंग स्टेज कंस्ट्रक्शन ऑफ पिटलाइन एट औरंगाबाद इज फाउंड नॉट फिजिबल ड्यू टू सेवरल कंस्ट्रेंट्स। नाउ वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली आर दोस कंस्ट्रेंट्स एंड व्हाई वी कैन नॉट हैव अ पिटलाइन एट औरंगाबाद। ये इतने सालों से सर मतलब पूरे एक्सपर्ट जितने भी हैं लोगों की ये मांग थी, अब ये दो लाइन के अंदर आ जाना है कि मतलब पिटलाइन औरंगाबाद में हम नहीं कर सकते, दिक्कतें क्या है अगर वो बताए तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके जरिए उम्मीद करेंगे कि इसको औरंगाबाद में रहने दे जालना ना ले जाए। दूसरा ये है सर कि मैं मंत्री जी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है कि शिवाजी नगर का जो रेलवे अंडर ब्रिज जो है ये पिछले 8 साल से लोग जो है वो आरयूबी के लिए लड़ रहे हैं। मैंने खुद ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से 3 मरतबा मुलाकात की और हर वक्त मुझे एश्योरेंस दिया गया, और लास्ट के टाइम के ऊपर मैं जब पिछले साल गया तो मुझे ये बताया गया है कि वो फाइनेंस के अंदर रुका हुआ है। धन्य साहब उसके लिए 50-50% स्टेट गवर्नमेंट बैर कर रहा है और 50% रेलवे बैर कर रहा है। अजीत पवार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम 50% दे रहे हैं, उसका पत्र भी दे दिया गया है। एक शहर जिसके अंदर तकरीबन 7-8 लोग जिस आरयूबी के ऊपर निर्भर है, उसमें मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि सर मलिया साहब आप जाते जाते हो तो शिवाजी नगर के आरयूबी के पास जो है वहां पर रेलवे क्रॉसिंग, वहां पर किसी एक अधिकारी को भेज के दिखाइएगा कि वहां पर कैसी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के पास तो उम्मीद करते हैं सर की नहीं नहीं सर अब तो कर दीजिएगा, आज घोषणा कर दीजिएगा कि हम 10 दिन के अंदर उसका उद्घाटन कर रहे हैं घर के उसमें। दूसरा ये है सर कि अभी जैसा संजय यादव साहब ने बताया है, मैडम ने भी बताया है, सर हम आपसे ये एक्सप्लेनेशन लेना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में अगर 4014 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में होता है, 4014 साउथ सेंट्रल के रेलवे में, सिकंदराबाद 1100, विजयवाड़ा 925, गुंटक्कल 1152, गुंटूर 629, हैदराबाद 81, नांगुड़ 35 किलोमीटर, कुछ तो जस्टिफिकेशन आप हमको दीजिए। हमको सिर्फ ये आंकड़े नहीं चाहिए सर कि मतलब हमने 35 किलोमीटर औरंगाबाद का कर लिए है, आप यहां से उठने से पहले हमको बताइएगा कि 35 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन सिर्फ नांगुड़ डिवीजन का क्यों होता है और सिकंदराबाद का 1100 कैसा होता है। मतलब कहीं ना कहीं हम इस बात से आज हमारी नाराजगी इस बात को लेकर है दानवे साहब, और मैं भी दोनों ही हमारे सहयोगी उनका मैं समर्थन करता हूं कि अगर इस तरह की नाराजगियां होती रहेगी कि मीटिंग होती है, सर हम 2 साल पहले गए थे आप भी आए थे उस मीटिंग के अंदर, ऐसा लगता है कि वो मीटिंग का मतलब ये है कि लंच के ऊपर आइए, लंच के ऊपर आके खाना वाना अच्छा खाइएगा करके, जो मुद्दे हैं जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले उठाए गए थे अगर वो आज भी अगर वैसे ही है तो फिर मेरे हिसाब से कोई मीटिंग का मतलब ही नहीं होता। मैं संजय यादव साहब को मानता हूं कि मतलब हम जब लास्ट मीटिंग के अंदर आए थे यही मुद्दे उठाए गए थे और हमको एक कागज के ऊपर ये बता दिया जाता है कि 35 किलोमीटर हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किए हैं, क्यों किए हैं 35 किलोमीटर ये आपको बताना होगा। दूसरा सर ये है औरंगाबाद दौलताबाद कन्नर 88 किलोमीटर की ये लाइन है सर, ये करण साहब आप भी मानेंगे कि कई सालों की ये मांग है, कई सालों की रेलवे में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो हर एक ने है तो ये इस बात की वो किया था कि औरंगाबाद 40 गांव जो है 88 किलोमीटर का है। अब उसके बारे में आपने जवाब दिए है
प्रोजेक्ट शेल्ड बाय रेलवे बोर्ड इन अप्रैल 2018। साहब अप्रैल 2018 के अंदर रेलवे ने सिर्फ एक लाइन का उत्तर दे दिया है कि ये कर दिया है। अब या तो ये बताइएगा कि रेलवे बोर्ड अगर सब तय करने वाला है तो हम यहां पर बैठे क्यों हैं, हमको बुलाया क्यों जाता है? बुलाया इसलिए जाता है कि हमारी ये मांग है कि यहां पर हमको ये लाइन चाहिए करके। अगर दिल्ली में बैठा रेलवे बोर्ड अगर ये डिसाइड करेगा कि औरंगाबाद में 40 नंबर, सर दिक्कत ये हो रही है कि हर चीज को आप उस नजरिए से देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिटर्न कितना आने वाला है करके, आरओआर कितना होने वाला है। अगर आप मराठवाड़ा जैसे एक बैकवर्ड एरिया को अगर आप आरओआर के हिसाब से अगर तोलेंगे कि साहब यहां से रिटर्न हमको नहीं आ रहा है तो ये क्षेत्र विकसित कैसा होगा और कब होगा? मतलब हर एक उसके अंदर अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे सर। धन्य साहब अप्रैल 2018 के अंदर अगर ये शेल किया गया है, अगर ये कैंसिल कर दिया गया है सर, तो दानवे साहब हम इसका उत्तर चाह रहे हैं कि क्या है। मतलब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के मूड में आया है कि नहीं अप्रैल हमको ये कैंसिल करना है करके। तो इतने सारे लोगों की जो मांग है, लोक प्रतिनिधियों की, आपकी भी मांग थी सर, तो ये क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर रेलवे बोर्ड ही अगर तय करना है तो फिर इस तरह की मीटिंग का कोई मतलब ही नहीं होता है। रोटेगांव कोपरगांव सर 22 किलोमीटर की लाइन है, रोटेगांव कोपरगांव का, उसका जवाब क्या आया है? आरईसीटी सर्वे वर्क सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड इन 2017-18, सर्वे वर्क इज इन प्रोग्रेस। सर 22 किलोमीटर की लाइन के लिए 2017-18 को यह सैंक्शन हुआ है, तो अगर आप हमको अगर अगले साल भी यही अगर बोलेंगे कि यह सर्वे चल रहा है करके, हमको रेल चाहिए, ये इस तरह के उत्तर हमको ये नहीं चाहिए कि फॉर्मेलिटी के तौर के ऊपर आपने हमको जवाब दे दिया है कि ये 2017 के अंदर सैंक्शन हुआ है, सर्वे चल रहा है। 22 किलोमीटर के सर्वे के लिए मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप बताइएगा कि कितना टाइम लगेगा एक सर्वे करने के लिए 22 किलोमीटर के लिए। सर दूसरा यह है कि कोंकण रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक बनाया गया था, धन्य साहब उसका मकसद यही था कि कोंकण का रेलवे नेटवर्क बहुत खराब था, पिछड़ा था, वहां के सारे लोक प्रतिनिधियों ने तो यह आवाज उठाई थी कि कोंकण रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया जाए। अगर ये सभी मसलों का हल ढूंढना है धन्य साहब, तो आपके दौर हुकूमत में अगर ये एक तारीखी काम अगर हो जाता है कि हम मराठवाड़ा रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अगर हम बनाते हैं, तो ये जो छोटे छोटे मसले हैं, आपको पैसे की भी फिक्र नहीं है, पड़ोस के अंदर से पैसा भी आ जाएगा यहां पे, तो एक विशेष तौर के ऊपर मराठवाड़ा रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने की जरूरत है ताकि हमारे जितने भी ये छोटे छोटे मसले हैं उसको हल किया जा सकता है। मल्या साहब हमारे पास एक लोकल पैसेंजर, औरंगाबाद जो है एक मराठवाड़ा का सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है और एजुकेशन सेंटर है। एजुकेशन सेंटर होने की वजह से हमारे पास कन्नड़ से, गंगापुर से, वैजापुर से, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो ये जो बच्चे आते हैं ये सुबह निकल के आते हैं यहां पर पढ़ते हैं, जो मजदूर आते हैं हमारी मजबूरी समझ लो। कल मंत्री परिषद की बैठक है और लाइन 44 को लैंड होना है, जाना तो जरूरी है सर। केंद्रीय में तो चार्टर फ्लाइट मंगाइए सर, अब कहाँ चार्टर फ्लाइट से जाइए सर, ये रेलवे का विषय है। सुनो जरा, तो मैडम ने जैसा अर्जुन दिया है वो भी दे दो लगा, तो ये सारे के लिए अपन दिल्ली में अपनी सत्ती अपनी बुलाएंगे, विषय तो चर्चा होती है पर कुछ विषयों का खुला समय अगर करता तो समय बच जाएगा। नहीं सर, एक दो मुद्दे जो अहम है से वही मुद्दे बजे, एक दो मुद्दे मैं ये कर रहा हूँ कि एक लोकल पैसेंजर जो यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के कर्मचारी, जो मजदूर आता है यहाँ पे काम करने के लिए, उसको शाम में 7 बजे यहाँ से एक लोकल पैसेंजर, आज जो पैसेंजर आती है और रात में 1:30-1:30 बजे से जाते हैं, तो एक आप पैसेंजर अगर यहाँ से करते हैं। दूसरा सर, मुकुंदवाड़ी स्टेशन के ऊपर क्यों नहीं हम स्टॉपेज दे रहे हैं? इतने सालों की मांग है, आप कहीं तो मैसेज आ जाएगा कि नो वी कांट गिव करके। इतना बड़ा एक आपके एरिया के अंदर ही आता है, 7-8 लाख लोग वहां पे रहते हैं, अगर मुकुंदवाड़ी स्टेशन के लिए अगर थोड़ा सा टाइम अगर वहां पे स्टॉपेजेस अगर दे दिया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत ये है।
सर हमने देखिए सर बहुत सालों से मैं हम भी कोशिश कर रहे हैं, अगर शिवाजी नगर का रेलवे ओवरब्रिज अगर नहीं बनता है सर आरयूपी, हम औरंगाबाद के अंदर आंदोलन करेंगे सर, हम रेल रोको आंदोलन करेंगे उसके लिए आपको, और हम क्लियर शब्दों के अंदर ये बताना चाहते हैं, हम रेलवे बोर्ड चेयरमैन से भी मिले हैं लेकिन कुछ हल नहीं हो रहा है, इस वजह से हमारी मजबूरी है कि हमको ये करना पड़ रहा है। थैंक यू सर। आज रेलवे के ताल्लुक से एक मीटिंग हुई औरंगाबाद के अंदर, जिसमें मराठवाड़ा के जो एमपीज है वो लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। ये दुर्भाग्य की बात है कि मराठवाड़ा के एमपीज जो है, महज 3 MPs ही इस मीटिंग के अंदर थे, मैं था, हमारे राज्यसभा के MP फौजिया मैडम थे और संजय जादव साहब परभनी के, सिर्फ 3 ही MPs इसके अंदर आए थे। और इस मीटिंग के अंदर हमने जो मुद्दे रखे वो पिट लाइन के बारे में, ये कई सालों पुरानी मांग है जिसके ऊपर है, तो उन्होंने उत्तर ये दिया है कि पिट लाइन यहाँ हो नहीं सकती क्योंकि बहुत सारी दिक्कत है। हमने कहा कि दिक्कत क्या है हमको ये बताओ, तो मंत्री जी का कहना है कि हमको जगह चाहिए, जगह नहीं मिल रही है, तो हम उन्होंने क्या किया है कि हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख दी और कहा कि मैं और हमारे जो कराड़ साहब है, भगवत कराड़ साहब, उनको बोले कि 1 महीने के अंदर आप जमीन ढूंढ के दो करके, जब काम नहीं करना होता है तो इस तरह के है तो बहानेबाजी की जाती है। दूसरा यह है कि शिवाजी नगर का आरयूबी जो है, ये पिछले कई सालों से 7-8 लाख लोग जो है वो उस रोड से जाते हैं आते हैं, कनेक्शन है उसके लिए, महाराष्ट्र सरकार ने 50% उसका पैसा दे दिया है, अब 1 साल से ये सिर्फ एक दूसरे को घुमा रहे हैं। रेलवे बोर्ड कहता है कि हमने फाइनेंस को भेज दिए है करके, आज वो कह रहे हैं कि हम जल्द से जल्द करेंगे, अरे कब करेंगे? आज आप रेलवे मंत्री हैं, आपको ये करना चाहिए। हमको दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि, और हम आज जो समझ रहे हैं कि मराठवाड़ा के साथ जो लगातार अन्याय हो रहा है, वो साउथ सेंट्रल रेलवे अगर इलेक्ट्रिफिकेशन करता है तो ये जवाब जो है, ये माल्या साहब जो इनके, गजानन माल्या साहब जो इनके जनरल मैनेजर है साउथ सेंट्रल रेलवे के, उन्होंने उत्तर दिया है कि इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है साउथ सेंट्रल रेलवे के अंडर में, तो सुनिए, सिकंदराबाद और हैदराबाद मिला के 1200 किलोमीटर, विजयवाड़ा में 925 किलोमीटर, गुंतकल में 1152 किलोमीटर, गुंटूर में 629 किलोमीटर और नांदेड़, जिसके अंदर हम मराठवाड़ा की आवाम आती है, उसका किलोमीटर कितना हुआ है? तो 35 किलोमीटर सिर्फ, 35 किलोमीटर हुआ है। तो ये अगर नाइंसाफियां अगर लगातार होती रहेगी, तो हमने ये मांग की है कि हमको साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर नहीं रहना है, हमको है तो आप सेंट्रल रेलवे के साथ मुंबई के साथ जुड़िए करके, तो ये मांग हमने उठाए हैं। हमारा यही कहना है कि अगर ये आरयूबी या जितने भी रेलवे के जो मुद्दे हैं, अगर उसके बारे में अगर फैसला नहीं लिया है, तो हम अगले महीने शिवाजी नगर का जो आरयूबी है, जिसके लिए है तो महाराष्ट्र सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन का लेटर दे चुका है, आप अगर 1 महीने के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हम रेल रोको आंदोलन करेंगे।